से शादी कर ली। शादी के बाद उस लड़की ने कहा कि मैं आलमा हूँ और हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। वो आदमी इस बात से बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि बेगम की बरकत से जिंदगी तो शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद बीवी ने उसे कहा कि देखो, हमने घर में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं और शरीयत के मुताबिक खावंद ने बीवी के लिए अलहदा घर का बंदोबस्त भी करना होता है, लिहाजा मेरे लिए अलहदा घर ले लो। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ कि अलहदा घर लेना तो मसला नहीं, लेकिन मेरे बूढ़े वालदैन का क्या बनेगा। इस परेशानी में वो एक मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मसला उनके सामने पेश किया। मुफ्ती ने कहा कि भाई बात तो वो ठीक करती है। आदमी ने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब, मैं आपके पास मसले के हल के लिए आया हूँ, फतवा लेने नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा कि एक तरीका है, वो इस तरह कि जाकर अपनी बीवी को बताओ कि शरीयत की रूह से मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, लिहाजा मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और वो मेरे वालदेन के साथ रहेगी, उनकी खिदमत भी करेगी और आपके लिए अलहदा घर लेता हूँ, आप वहाँ रहोगी। बीवी उसके जवाब से सटपटा गई और बोली कि दफा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूंगी, आपके वालदैन मेरे भी वालदैन हैं और इनकी खिदमत इकराम मुस्लिम भी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ वक्त निकालकर इल्म वालों के पास भी बैठा करें, क्योंकि हर मसले का हल गूगल के पास नहीं होता। देखने में आता है कि हमारे लोगों को शरई मसला जानना होता है तो बजाय वो किसी इल्म वालों से मसला पूछे, वो गूगल या इंटरनेट सर्च करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बगैर किसी हवाला जात के वो अमल करना शुरू कर देते हैं और सारी उम्र गुमराही में ही जिंदगी गुजार देते हैं। इंटरनेट को अपने ऊपर इतना सवार मत करें कि इल्म वालों की बातें झूठी और गोरों की बातें सच्ची लगने लगें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में जरूर मस्बत तब्दीली लाएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं, नहीं पसंद आए तो भी अपनी राय दें, इस्लाह के लिए शेयर कर दें ताकि इस्लाह का ये सिलसिला जारी रहे। जज़ाकअल्लाह खैरा।